उस्ताद रिजवी साहब, मैं इनका गुलाम बनने के भी काबिल नहीं हूँ। मैं अपनी जान नहीं देंगे तहरीक को वोट दे। भजन ये तो हम दुकान पे बैठे हैं, अब घर में भी बैठेंगे तो बाप बेटे का वोट अलग हो जाता है। अच्छा। ये तो हमें इतनी पहचान है कि छोटा गोश्त इधर से असल मिलता है, अच्छी इंसुलिन माँ के लिए वहाँ से लेनी है। आप चाहते हैं इस्लामी कानून हो पाकिस्तान? उन्हीं उनसे वैसे दिल भर गया होगा सबसे। अच्छा, उनसे दिल भर गया इस वजह से। फिर वो झूठ वाली बात हो जाएगी ना, अभी मैं कहूँ मैं अच्छा मैं दे दूंगा तो बाद में मैं उनको वोट डालूं। अच्छा, बाद में आपने नवाज शरीफ? बाद में मैं कहूँ मैंने उसको डालना। इंशाल्लाह ताला मेरी सारी फैमिली और मेरे जितने दोस्त है मैं दोस्त ही उन्हें रखता हूँ जो इनसे प्यार करता है। फिर क्यों इतनी मोहब्बत है साथ में? मुझे इनके बाबा से बहुत प्यार है, वो सच्चे आशिक रसूल है। इन्होंने हमको दीन के करीब किया है और माशाल्लाह वोट इनका इंशाल्लाह तरीके लबैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद हसनैन बुखारी, आप देख रहे हैं अलर्ट पाकिस्तान। तो नाज़रीन आज हम 155 हलके में मौजूद हैं, पीपी 155 के हलके में मौजूद हैं। आज यहाँ से हम सर्वे करने वाले हैं कि यहाँ पे लोग अपना वोट किसे डालते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मार्केट में लोग हैं तो हम इनसे पूछते हैं कि अपना वोट किसको डालेंगे। तो वीडियो से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और वीडियो को लास्ट तक देखा करें। तो आए हम लोगों से पूछते हैं आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भैया? शुक्र अल्लाह। यार ये हमारे पास ये दो तस्वीरें, एक साद रिजवी की है और दूसरी है नवाज शरीफ की, तो आप किसे वोट दे रहे हैं? इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक को वोट देंगे। वाह क्या बात है, इंशाल्लाह। क्यों दे रहे हैं तहरीक लब्बैक को? क्योंकि ये माशाल्लाह बहुत अच्छी जमात है। अच्छा। एक तो तहरीक लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, ठीक है, वाले वसल्लम, तो इंशाल्लाह वोट हमारा इनको ही होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, आपका किसको वोट रहे, तहरीक लब्बैक को? वजह तहरीक लब्बैक को इनके साथ अलग ही मोहब्बत है, इन्होंने हमको दीन के करीब किया और माशाल्लाह वोट इनका इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक का। अच्छा अच्छा, चले तहरीक लब्बैक को ही देंगे आप इंशाल्लाह वोट। तो सर आपका वोट किसको होगा, आपका वोट? जी अस्सलाम वालेकुम सर, देखिए जो जमात काम करने वाली हम उसी को देंगे। अच्छा। और रही बात, मैं ये बात बताना चाहूँगा वाजे, हमारी जो अवाम है ना इतनी बेवकूफ़ है ना, ये ऐसे हमारे बेवकूफ़ अवाम है जो हाथ उंगली इशारा करता पीछे भाग जाते हैं। नून लीग जो हमारे नवाज शरीफ साहब है, हमारे जो जज साहब हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्या ऑर्डर किया हुआ है कि वो चोर है, और उसके बावजूद हमारी वो फिर आए बेगुनाह हो गया, केस माफ़ हो गया। ये सारे कानून बड़ों लोगों के लिए नहीं है, छोटों के लिए है, हम जैसों के लिए है। और ये तो इसका मतलब आखिरी उम्मीद जो है वो तहरीक लब्बैक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी तहरीक लब्बैक इसलिए है, एक तो उनको समझने वाले हैं और इंशाल्लाह कि कुछ कायदे कानून है कि ये जो हमारे सारे पाकिस्तानी जो हमारे लोग हैं ना, ये खुद ही कानून बनाते हैं, खुद ही करते हैं। चले उस उनसे ये होगा कि कुछ ना कुछ ये हो सकता है कि जो हमारे कुरान में जो हाँ कोई कानून है वो कायदे ज़्यादा नहीं, तो कुछ तो वो पाबंद होंगे ना उस पर। चले तो नाज़रीन इनका भी ये कहना है कि इंशाल्लाह हम तहरीक लब्बैक को वोट देंगे। आए हम बाहर चलते हैं और लोगों से पूछते हैं। हमारे पास दो तस्वीरें, एक नवाज शरीफ की और दूसरी है हफ़ज़ साद रिज़वी की, किसे वोट दे रहे हैं? मैं किसी को भी नहीं। क्यों, क्या वजह? वैसे ही। क्यों, कोई वजह भी होती है? वैसे ही नहीं दे रहा मैं किसी को। वैसे ही नहीं देना, अगर मौका बन गया देने का तो किसे देंगे? नवाज शरीफ से। नवाज शरीफ को? क्या वजह, नवाज शरीफ को क्यों देंगे? वो शुरू से वैसे। अच्छा जी, तो उनके कोई एक काम बता सकते हैं आप चार ऐसे के जो नवाज शरीफ ने बहुत अवाम के लिए बेहतर किए? सर सब ने देखे, मैं काम देखे, उनसे देखे, आपने भी देखे होंगे। आपको? मैंने तो कोई नहीं देखा। मैंने भी कुछ नहीं देखा। फिर आपने फिर वोट क्यों दे? बस देना ही देना, शुरू से उन्हें दे रहा भाई। चलाए नाज़रीन हम आगे लोगों से पूछते हैं कि वो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई जन, क्या हाल है, खैरियत है? अल्लाह पाक आप सुनाए। जी भाई जन अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास दो तस्वीरें हैं, एक साद रिजवी की और दूसरी है नवाज शरीफ की, आप वोट किसे दे रहे हैं? साद रिजवी साहब को। भाई जन क्या बात है, साद रिजवी को क्यों दे रहे हैं? कि ये दीन वाले बंदे हैं और हम भी दीन वाले बंदे हैं, लब्बैक वाले बंदे हैं, जो मर्जी हो जाए वोट तो लब्बैक का ही है। इसका मतलब आप चाहते हैं कि इस्लामी कानून हो? कानून और खादिम हुसैन रिजवी साहब ने बड़ी मेहनत की है, हम उनके पैरोकार हैं, उनके मानने वाले हैं, उनके चाहने वाले हैं, हाँ, तो इसलिए वोट उनका ही है, जो मर्जी आ जाए वो तहरीक लब्बैक जी साहब आ जाए, उनका दूसरा बेटा आ जाए। अच्छा। वोट लब्बैक का ही है इंशाल्लाह। चले तो नाज़रीन का भी यही कहना है कि वोट लब्बैक का ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं चाचा जी? चाचा जी तो ठीक है बेटे जी, आप सुनाओ आप? अच्छा हम भी ठीक है अल्लाह का शुक्र। हमारे पास दो तस्वीरें, एक साद रिजवी की है दूसरी है नवाज शरीफ की, किसे वोट देना? हमने तो अल्लाह मियां को देना है बेटा। जमात कौन सी होगी?
जमात कोई नहीं इस वक्त, कोई जमात को नहीं इस वक्त, जब समझ में आएगी तो फिर सोचेंगे। अच्छा, आपको समझ क्या आता है कि इस वक्त कौन सी जमात जो है? समझ नहीं आता, अभी नौकरी पे बैठे हैं, नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, अगर मौका बन जाता तो फिर किसे दें? फिर सोचेंगे, मौके के मुनासिबत से सोचेंगे। अच्छा, मौके के लिहाज से सोचेंगे, मौके के लिहाज से। बहुत अच्छा जी, सोचेंगे। हम अंदर से पूछ लेते हैं, हमारे साथ माशाल्लाह हाई साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हाई साहब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास दो तस्वीरें, साद रिजवी की और नवाज शरीफ की, वोट किसे दे रहे हैं? साद रिजवी साहब, मैं इनका गुलाम बनने के भी काबिल नहीं हूँ, मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ तो इनके लिए दूंगा, वोट क्या चीज है। क्या बात, आखिर क्यों इतनी मोहब्बत है साद रिजवी? मुझे इनके बाबा से बहुत प्यार है, वो सच्चे आशिक रसूल है। मुझे जी, मैं नक्शबंदी यूसुफी है, मेरे सिलसिला। अच्छा, बाबा जान से मोहब्बत है इसलिए? बिल्कुल, क्योंकि वो मोहब्बत है, लेकिन वो आशिक रसूल हैं, टॉप ग्रेड पर सहीउल अकीदा मुजाहिद मिल्लत है। अच्छा, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो इस वक्त पीटीआई का और नून लीग का नाम ले रहे हैं? अल्लाह ताला उन्हें हदायत दे, अल्लाह ताला उन्हें हदायत दे, हदायत दे। तो हमारे माँ बाप को गाली देता है तो हम उसको सारी उम्र सलाम नहीं करते, लेकिन जिन्होंने खत्म नबूवत पे डाके डाले हैं हम उन्हें वोट दे देते हैं। तो हमें इतनी पहचान है कि छोटा गोश्त इधर से असल मिलता है, अच्छी इंसुलिन माँ के लिए वहाँ से लेनी है, अच्छी दवाइयों का वो स्टोर है, अच्छा स्कूल ये है, लेकिन वोट अंधे होकर डाल देते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के लिए जीना चाहिए और मरना चाहिए। किसी से मोहब्बत करो तो अल्लाह के लिए करो, किसी से नफरत करो तो अल्लाह के लिए करो, इसलिए मैं इनसे प्यार करता हूँ। अच्छा, इसका मतलब आपका वोट तहरीके लब्बैक को? जान भी इनके लिए हाजिर है। जान भी इनके लिए? जी बिल्कुल। तो कितने वोट हो जाएंगे आपके? इंशाल्लाह ताला मेरी सारी फैमिली और मेरे जितने दोस्त हैं, मैं दोस्त ही उन्हें रखता हूँ जो इनसे प्यार करता है। वाह वाह वाह, क्या बात। हाँ जी, ले जी, तो भाईजान ने तो माशाल्लाह बात ही ख़त्म कर दी। मैं दोस्त ही वही रखता हूँ जो अलामा साद रिजवी साहब से मोहब्बत करते हैं। क्या बात है, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, थैंक यू। अच्छा, हमारे पास दो तस्वीरें, एक साद रिजवी की और दूसरी है नवाज शरीफ की, किसे अपना वोट देना चाह रहे हैं आप? इंशाल्लाह साद रिजवी साहब को। वाह जी वाह। अच्छा, साद रिजवी साहब को इस हल्के में ज़्यादा साद रिजवी साहब को क्यों वोट दे रहे हैं? क्योंकि हम जिनके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं वो भी इनके पीछे हैं। अच्छा, वो भी इनके पीछे? बिल्कुल। अच्छा अच्छा, तो आप चाहते हैं कि ये फहाशी और बेहयाई ख़त्म हो, इस्लामी कानून? इंशाल्लाह बिल्कुल, हर मुसलमान चाहेगा ये तो। चाहे बिल्कुल। अच्छा, तो नवाज शरीफ को या इमरान खान को वोट नहीं देंगे? नहीं, चोरों को वोट तो नहीं ना देंगे। अच्छा अच्छा, चोर हैं? बिल्कुल। आने वाले वक्त में तहरीक लब्बैक पर ये तवक्को की जाती है कि वो बेहतरी की तरह? बिल्कुल, एक दीनी आदमी है, उनके करप्शन भी नहीं, कोई इस किस्म का चक्कर भी नहीं है उनका, ना वो इकदार के लिए आ रहे हैं, उनकी तहरीक ही कुछ और थी, लेकिन इन्होंने जो करतूतें की हैं इसलिए वजह से वो अब इलेक्शन में आ रहे हैं। मेरे पास दो तस्वीरें, एक साद रिजवी की है और दूसरी है नवाज शरीफ की, किसे वोट दे रहे हैं? मैं नवाज शरीफ को वोट दूंगा। नवाज शरीफ को दे रहे हैं, क्या वजह है? वैसे ही कारोबार की वजह से। अच्छा, कारोबार की वजह से दे रहे हैं। तो अगर इस्लाम की बात की जाए कि इस्लाम को वोट नहीं देना चाहिए? मैं ये तो नहीं कहा इस्लाम को वोट नहीं देना। आपने कारोबार का कहना, तो मैं इस वजह से कहा कि अभी ये इनको वोट नहीं देना चाहिए। आपने मेरे से पूछा दोनों तस्वीरों में से आप किसको वोट देना चाहिए? नवाज शरीफ को देना। नवाज शरीफ को देना। आखिर क्या वजह नवाज शरीफ? मैंने बता दो थी आपको वजह, कारोबार की वजह से। ठीक है, इन लोगों ने सारा कारोबार ही खराब कर दिया बाकी लोगों ने। बाकी लोग हाँ। अभी ये तो आए भी नहीं है तहरीक लब्बैक की बात ही नहीं की। नहीं नहीं, बाकी जो आए आप बाकी का कह रहे हैं ना, साद रिजवी तो आए भी नहीं, ये तो अभी आए ही नहीं, आए भी नहीं। हाँ। तो आप नहीं चाहेंगे कि हम इन्हें वोट दें और तहरीक लब्बैक आए और सोचे पाकिस्तान के लिए? फिर वो झूठ वाली बात हो जाएगी ना, अभी मैं कहूँ मैं अच्छा मैं दे दूंगा तो बाद में उनको वोट डालना। अच्छा, बाद में आपने नवाज शरीफ का? बाद में मैं कहूँ मैंने उसको डालना, इनको नहीं डालना। चलिए ठीक, तो भाईजान आप किसे वोट दे रहे हैं अपना इन दोनों में से, तहरीक लब्बैक के अमीर? यही है पहला और आखिरी। कौन? जो सा ऊपर रखा आपने। ऊपर कौन है? साद रिजवी साहब। साद साहब जी, आप दोनों माशाल्लाह एक जगह पे बैठे हैं, वो नून लीग के हैं, आप तहरीक लब्बैक में, तो आप क्या इन्हें दावत नहीं देंगे तहरीक को वोट दें? भाईजान ये तो दुकान पे बैठे हैं, आप घर में भी बैठेंगे तो बाप बेटे का वोट अलग हो जाता है। अच्छा, दे रहा हूँ उस्ताद ना, उस्ताद भी बाप के बजा होते हैं जी। अच्छा, तो आप तहरीक लब्बैक? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आए नाज़रीन, हम बाहर चलते हैं। उस्ताद शगिर्द, उस्ताद जो है वो नून लीग है और शगिर्द जो है वो तहरीक लब्बैक है नवाज शरीफ की, किसे वोट दे रहे हैं? साद रिजवी। साद रिजवी साहब को दिल से वोट दे रहे हैं? हाँ जी। कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है? अच्छा। हाँ जी। आप चाहते हैं कि इस्लामी कानून हो पाकिस्तान में? नहीं, उनसे वैसे दिल भर गया होगा सबसे। अच्छा, उनसे दिल भर गया इस वजह से? आप चाहते हैं कि नया बंदा आए? नया बंदा आए, नई पार्टी आए,
अच्छी होती है। अच्छा अच्छा, चलिए जी। तो हाज साहब का यही कहना है कि नई पार्टी हो, नए बंदे हो, नए कोई जमाना चाहिए। तो नाज़रीन आज हम ताजर बरादरी का इंटरव्यू कर रहे हैं कि ताजर बरादरी किसकी तरफ है, आखिर ये भी हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है, इनसे भी पूछा जाए कि ताजरों का किन की तरफ वोट जाएगा, हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाज साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास दो तस्वीरें हैं, एक है साद रिज़वी, इधर आ जाएँ थोड़ा सा, एक है साद रिज़वी की और दूसरी है नवाज शरीफ की। किसे वोट दे रहे हैं आप अपना? इंशाल्लाह सर साद रिज़वी को ही देंगे। माशाल्लाह। इनको क्यों, हम मुसलमान नहीं है, हम पाकिस्तानी नहीं है। क्या बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह साद रिज़वी साहब, साद रिज़वी साहब को इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह इनका ही होगा वोट। इनका वोट होगा, हमारा इनका ही है जी, पहले किसी की तरफ नहीं सर, इनका ही है। कितने वोट है वैसे आपके? हमारे घर के 12-13 वोट है। अच्छा। इंशाल्लाह इनको डालेंगे। अच्छा, इनका वोट होगा इंशाल्लाह। इस्लाम के लिए डालना, और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है इसलिए इनको ही डालेंगे, इस्लाम को। इंशाल्लाह इस्लाम के लिए वोट है। चलिए जी, माशाल्लाह ताजर बरादरी का भी यही कहना है कि इंशाल्लाह हम जो है वो तहरीक लब्बाई को ही वोट अपना डालेंगे। आपने लोगों की राय भी सुनी, कुछ लोग हैं नून लीग के भी, पीटीआई के, सारी बात हर जगह पर मिक्स ही काम होता है, लेकिन इस हल्के में हमें जो नज़र आया वो ज़्यादातर तहरीक लब्बाई को सपोर्ट करने वाले हैं, और उनका ये कहना है कि इंशाल्लाह हम हाफिज़ साद रिज़वी साहब को ही वोट डालेंगे, इसके अलावा हम किसी को नहीं डालेंगे। और एक तो भाईजान ने ये भी बात कर दी कि मैं तो अपने दोस्त ही वो रखता हूँ जो साद रिज़वी साहब को वोट डालेंगे। तो आपने वीडियो देखी और कमेंट में ज़रूर बताएं, हमें दें इजाज़त। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।